हेलो स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग इस फंक्शन को इंटीग्रेट करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको लगता है कि आप इसे इंटीग्रेट खुद से कर सकते हैं तो वीडियो को पॉज करिए और इस इंटीग्रेशन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए। उम्मीद करता हूँ आपने इस इंटीग्रेशन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश ज़रूर की होगी। अब आइए इसका सोलूशन देखते हैं। अब देखिए, यहाँ टेन एक्स प्लस कॉटेक्स का होल स्क्वायर लिखा है। क्या आप इसे इंटीग्रेट कर सकते हैं? कोई ऐसा फॉर्मूला है जो टेन एक्स प्लस कॉटेक्स के होल स्क्वायर को डायरेक्ट इंटीग्रेट कर दे? कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है। यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर से हम लोग ओपन कर लेंगे। अब आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर तो पता ही होगा, क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। तो पहले वाले का स्क्वायर करना है तो टेन एक्स का स्क्वायर करेंगे तो टेन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। इसका स्क्वायर करना है तो कॉट स्क्वायर एक्स हो जाएगा। फिर प्लस लिखते हैं, टू ए बी आता है, यानी टू इंटू ए और बी, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, टू इंटू टेन एक्स कॉट एक्स। जब आप इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो यही ना आएगा? बिल्कुल आएगा, टेन स्क्वायर एक्स मिल गया प्लस कॉट स्क्वायर एक्स मिल गया प्लस, अब देखिए टू इंटू टेन एक्स कॉट एक्स लिखा हुआ है। इस कॉट एक्स को हम लोग बताइए क्या लिख सकते हैं, वन बाई टेन एक्स। अरे हमने पढ़ा था ना, कॉट एक्स जो होता है वो वन बाई टेन एक्स के इक्वल होता है। तो टेन एक्स से टेन एक्स कट गया, टू इंटू वन टू हो गया डी एक्स। ठीक है, अब टेन स्क्वायर एक्स है, यहाँ पे कॉट स्क्वायर एक्स है, क्या आप इन दोनों को इंटीग्रेट कर सकते हैं? नहीं, आपने टेन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला नहीं पढ़ा है, आपने कॉट स्क्वायर एक्स के इंटीग्रेशन का फॉर्मूला नहीं पढ़ा है। इसे हम लोग बदलेंगे, टेन स्क्वायर एक्स, ये इसका फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन। बताइए ये होता है कि नहीं? होता है भाई, बीच में प्लस। कॉट स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस वन और ये प्लस टू। ऐसा हम लोग क्यों कर रहे हैं? क्यों टेन स्क्वायर एक्स को इस फॉर्मूले में बदल रहे हैं? क्यों कॉट स्क्वायर एक्स को इस फॉर्मूले में बदल रहे हैं? इसके पीछे रीज़न क्या है ना, क्योंकि हम लोग कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं जानते हैं जो टेन स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट कर दें या फिर कॉट स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट कर दें। ठीक है, लेकिन हाँ, हम लोग सेक स्क्वायर एक्स के इंटीग्रेशन का फॉर्मूला जानते हैं, कोसेक स्क्वायर एक्स के इंटीग्रेशन का फॉर्मूला जानते हैं, तो इसलिए हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं। अब ये माइनस वन, ये माइनस वन और ये प्लस टू, ये सारे कैंसिल हो जाएंगे ना, क्या बचेगा हमारे पास? सेक स्क्वायर एक्स प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब सेक स्क्वायर एक्स के इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है? टेन एक्स। ठीक, बीच में प्लस है, प्लस लगा दीजिए। कोसेक स्क्वायर एक्स के इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस कॉट एक्स। अब ये प्लस और ये माइनस मिलकर माइनस हो जाएंगे, बेसिकली आएगा माइनस कॉट एक्स और फिर आखिरी में सी। उम्मीद करता हूँ आपको ये इंटीग्रेशन समझ में आ गया होगा। वीडियो छोड़ के जाइएगा नहीं, आपके सामने एक और क्वेश्चन आने जा रहा है। वो क्वेश्चन है, इंटीग्रेट 1 माइनस कॉस टू एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस टू एक्स। तो अगर आपको लगता है कि आप इसे अभी इंटीग्रेट कर सकते हैं तो प्लीज़ ट्राई करिएगा। अगर आपको नहीं करने आ रहा है इसे इंटीग्रेट, तो आप इसका सोल्यूशन अगले वीडियो में जाके देख सकते हैं। आपको वीडियो के एंड में या फिर प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा वीडियो। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।